डकरा वीआईपी क्लब में संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ललन प्रसाद सिंह और संचालन शैलेश कुमार ने किया। बैठक के दौरान कोयला मजदूरों का 11वां वेतन समझौता होने के बाद मामले को जबलपुर उच्च न्यायालय में अधिकारियों से अधिक वेतन होने की चुनौती दिए जाने के बाद वेतन समझौता को खारिज किए जाने पर आक्रोश जताया गया। यूनियन नेताओं ने कहा कि बढ़ा हुआ वेतन जुलाई माह से मिलना भी शुरू हो गया और एरियर का भी भुगतान हो चुका है। अब स्थिति ऐसी बन गई है कि एरियर रिकवरी की नौबत आ गई है। इससे निपटने के लिए कोयला उद्योग में कार्यरत सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है, जिसकी तैयारी इनके एरिया में शुरू की जा रही है। इसके तहत कल से सभी परियोजनाओं में गेट मीटिंग किया जाएगा और हड़ताल की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में प्रेम कुमार, कृष्णा चौहान, मनोज रजक, अमरभूषण सिंह, सुनील कुमार सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, ध्वजाराम धोबी, दिनेश भर, एसएन सिंह, रामा उरांव, उदय कुमार सिंह, रंथु उरांव, राजेंद्र लोहरा, कन्हाई पासी, रतिया गंजू, इरफान खान समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित। आज संयुक्त मोर्चा की बैठक जो वेतन समझौता को मैंने ये किया गया है, उसके विरोध में आज बैठक बुलाया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2 तारीख का जो बैठक रांची केंद्रीय समिति किया था उसका हूबहू पालन किया जाएगा और 5 से लेकर 7 तारीख तक 5, 6, 7 3 दिवसीय अभूतपूर्व हड़ताल होगा, जिसमें किसी भी तरह का इमरजेंसी सेवा भी उससे मुक्त नहीं है, सब हड़ताल में रहेंगे। और इधर 21, 22, 23 तीन दिन गेट मीटिंग भी होगा और 3 तारीख को जीएम ऑफिस पर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दिन बंदी के बराबर ही होगा, चूंकि टोटल काम बंद करके हाजिरी बनाकर उस दिन तमाम साथियों से आग्रह किया गया है कि उस दिन भी 3 तारीख को हाजिरी बनाकर हर प्रोजेक्ट से तमाम साथी आने का काम करेंगे। अगर कोई भी आदमी गलती से, कोई अधिकारी आंख दिखाने का काम करेगा तो हमारे तमाम एरिया के साथी मिलकर आंख निकालने का काम करेंगे, उस तरह के हड़ताल। इसी संदर्भ में आज तमाम साथी उग्र होकर एकदम उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करते हुए इस काम को, इस हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प हम लोग लिए हैं और कोल इंडिया को दिखाने का काम आया अफसर से एसोसिएशन को, जिसने 2 फांक बांटने का काम किया। बीच में तो भरपाई हुआ था कि न अफसर हैं और न पदाधिकारी हैं, हम कोल इंडिया के श्रमिक हैं, कोल इंडिया के बृहद परिवार हैं, लेकिन छांटने का काम अफसरों ने किया है, बांट दिया 2 भाग में कि हम अफसर हैं